जिंदाबाद। सज्जाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सज्जाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। कदम साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice, we want justice, we want justice। चीफ इंजीनियर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नहीं चलेगा। चीफ इंजीनियर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, वरना कुछ छोड़ दो। कश्मीर भी अच्छी जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिंदाबाद। कश्मीर भी अच्छी जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिंदाबाद। जी मेरा नाम शाहिद अहमद सरगर्दी, मैं बिजबहरा से वाबस्ता हूँ। हम पीएचई में वैसे डिलवेज काम कर रहे हैं, पिछले 30 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ चीफ इंजीनियर कश्मीर जल शक्ति है इफ्तिखार हुसैन वानी साहब, ये हमारे डेलवेजों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, अपने ताकत के बलबूते पे हमारे आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जबकि हमारी डिमांड होती है कि हमारी तनख्वाह दी जाए, 24 घंटे हम मेहनत करते हैं, पानी चलाते हैं, डिवीजनों में काम करते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं। जबकि सेक्रेटरीट से 20 तारीख को ही तनख्वाह निकलती है, अलाटमेंट वहाँ से वागुजार हो जाती है, और 9 तारीख को ये जब हम जबरिया इसके पास जाते हैं लड़ाई करने के लिए, एहजाज करने के लिए, फिर ये तनख्वाह छोड़ते हैं। अभी ईद का महीना आने वाला है, अभी भी हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई है। इतने पास काफ़ी महीनों की तनख्वाह रुकी हुई है, 18 महीने पीछे भी हमारे जो एजुटेशन हुई थी उसके भी 18 महीने भी बकाया है। अभी ईद का महीना अभी तो छोड़ा है, 20 दिन के बाद जब सेक्रेटरी से अलाटमेंट इशू हुई है 20 दिन पहले, आज ये 9 तारीख को छोड़ रहे हैं। आप बताइए हमारी तनख्वाह कहाँ है। एक तो ये हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार की जाए, और दूसरी बात है कि अगर कोर्ट ने कोई सिटी आर्डर दिया है, गवर्नमेंट ने कोई आर्डर दिया, ये उसी भी धज्जियाँ उड़ा रहा है, नहीं मान रहा है। हम चाहते हैं कि सेक्रेटरी लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई अच्छी सी कमेटी बनाई जाए जो इसकी छानबीन करे, और हमारे मुतालबे जो भी अभी तक आज तक 30 साल से है, रेगुलर सेशन है, पेंडिंग वेजेस है, SRO, कोई ऑन ड्यूटी, कोई हमारा कैजुअल लेबर मर गया है, उसके घर के एक फर्द को नौकरी दी जाए, हमारी यही डिमांड है।